विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिहार विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उतरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। उनके सामने महागठबंधन ने आरजेडी विधायक अवध बिहारी सिंह को उतारा था। विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े। बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत हुई। सदन में हंगामे के बीच बुधवार को स्पीकर पद का चुनाव हुआ और एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान महागठबंधन के विधायकों की ओर से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए और गुप्त मतदान की अपील की गई। हालांकि उनकी अपील को ठुकरा दिया गया। चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सब की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। और मैं सभी माननीय सदस्य महोदय से यही आग्रह करूंगा कि सब लोग जो सदन की कार्यवाही के नियम हैं सब लोगों को उसका पालन करते हुए अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। सब लोगों को अपनी बात रखने का उनका अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियमों के मुताबिक सदन के संचालन का अधिकार है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो निर्वाचन हुआ, नई विधानसभा गठित हुई है और उसके बाद आप अध्यक्ष पद को आपने संभाल लिया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से इसका निष्पादन होगा, सदन की कार्यवाही भी बेहतरीन ढंग से संचालित होगी। मैं यही सब लोगों से आग्रह करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं।